सो वेलकम बैक गाइस, मैं आज का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो लेकर। तो फाइनली आज हम अगेन खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। लास्ट एपिसोड में हम लोग गए थे एंड सिटी, वहां से लाइट्रा, एंड आज की वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं कितना एफिशिएंट सा एक एक्सपी फार्म। बहुत फास्ट होने वाला है वो, एंड वो होने वाला एक एंडमैन एक्सपी फार्म जो हम बनाने वाले हैं एंड में। एंड गाइस, अभी यार मैंने फाइनली एक सेकंड चैनल क्रिएट कर डाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, अपने पास इलाइट्रा है। सो हाँ, वो जो सेकंड चैनल है उसमें नॉर्मल गेम पे आएंगे, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फटाफट से एक काम कर डालते हैं, ये देख सकते हो मैं कैसे उड़ पा रहा हूँ। खैर कोई नहीं, अब एक काम कर डालते हैं, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ ऑफ कैमरा क्या क्या हुआ है। अबे उठना, अबे तेरी भैंस के उठता नहीं है। तो देखो मैंने बीकन यहाँ शिफ्ट कर डाला, एक प्लेटफॉर्म बना के। देखो यार मैंने कहाँ से कहाँ लाया है, तो ये देखो यहाँ था पहले बीकन, एंड अब मैंने बीकन को जो है ले आया है यहाँ पर। आयरन बीकन है ये, हम बहुत जल्दी इसको गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। सोच रहा हूँ कि एक गोल्ड फार्म भी बना दिया जाए। सो गाइस, अभी यार मैंने सारे के सारे सामान को कलेक्ट कर रखा है जो कि मेरे को चाहिए होंगे उस एंडमैन एक्सपी फार्म को बनाने के लिए। तो फटाफट से अभी मैं वो सब दिखा लेने वाला हूँ तुम लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो ड्रैगन का हेड, एंड या ये सब मेरे को लश्केव से मिले थे, एंड देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं ये सब। सो गाइस, अभी फटाफट से एक काम कर डालते हैं, अभी मैं निकलूंगा एंड के लिए। बट बिफोर डैट एक काम करो, ये देखो थोड़ा बहुत मैंने शल्कर बॉक्स में सामान कलेक्ट किया है। ये शल्कर बॉक्स में मैं एंड सिटी से ही लाया था, तो अभी दिखाता हूँ। तो यार ये देखो 3 शल्कर बॉक्स है, एंड ये मेरे पास और भी यही यहाँ पर है 4 शल्कर बॉक्स एक्स्ट्रा, 7 हम बना बैठे हैं। ये सब लूट है जो कि हमें एंड सिटी से मिला था। एंड ये देखो यहाँ पे है कॉबल स्टोन्स है, स्टोन फार्म से मिला था, एंड ये थोड़ा बहुत नॉर्मल सामान। तो अभी फटाफट से इन सबको लेके मैं चलूंगा। कारपेट्स भी थोड़ा बहुत लगे थे, नेम टैग मेरे को विलेजर से मिल गया था। खैर कोई नहीं, अभी फटाफट से इनको लेके मैं अंदर डाल लेता हूँ अपने यहाँ पर, एंड देन हम एंड के लिए निकलेंगे। तो अभी फटाफट से इसको गाइस मैंने तोड़ भी लिया है। सो गाइस, अभी यार मैंने ना नेदर पोर्टल के थ्रू एक रास्ता बना डाला है, एंड पता नहीं यार गेम प्ले रिकॉर्डिंग के टाइम में इतना क्यों लैग मार रहा है। मैं एडिटिंग के टाइम पे देख रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लैग मार रहा था। भाई मैं गेम जब खेल रहा था तब 1% भी लैग नहीं मारता, पता नहीं क्या सीन है। खैर गाइस, अभी यार ठीक इस यही कहीं एक जगह से ना यार मेरे को ठीक निकलना है। मतलब मैंने थोड़े बहुत ब्लॉक्स लगा रखे हैं, देख रहे हो, मतलब रिकॉर्डिंग FPS ही नहीं लेता, मेरे को रिकॉर्डर चेंज करना पड़ेगा। तो हाँ ये देखो, अबे टीवी भैंस ये अजीब है भाई, इसने आधा मार डाला था मेरे को, घंटा सा एक गोल्डन हेलमेट दे दिया। खैर कोई नहीं, अभी फटाफट से इन ब्लॉक्स को मैं अगर फॉलो करता हुआ चलूंगा ना, तो यार मेरे को अपना एंड पोर्टल का वो जो नॉर्मल नेदर पोर्टल है वो मिल जाएगा। सो अभी यार मैं फॉलो करता हुआ आ चुका हूँ, एंड यार मेरे को अच्छे से पता है रास्ता क्या है, बट फिर भी यार ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स तक ही फॉलो ना करने पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स लगा रखे हैं थोड़े बहुत अलग अलग। एंड फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, एंड अभी फटाफट से सामने चल लेते हैं, एंड ठीक यहाँ पर से हम लोगों को अभी ऊपर उड़ता हुआ चलना है। मैं लैडर्स लगा रहा था बट अपने पास इलाइट्रा है, एंड भाई क्या भिड़ा। सो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ, एंड इस छिछुंडर को अभी मैं मारने वाला हूँ। सो गाइस, ये भाई इसने फूड ड्रॉप कर दिया, लॉल। खैर कोई नहीं, अभी फटाफट से इसके जैसे ही मैं अंदर चलूंगा ना, अब देखना क्या होने वाला है। मैं जैसे ही अंदर पहुंचूंगा, 3, 2, 1 एंड रेंडर क्यों नहीं हो रहा यार। तो अभी एंड रेंडर होने ही वाला है, हाँ रेंडर हो गया। तो अभी यहाँ पर मेरा एंड पोर्टल है, फटाफट से गाइस इसके मैं अभी अंदर चल लेता हूँ, लेट्स गो। एंड लास्ट टाइम हमने यही पे एंडर ड्रैगन को मारा था। खैर कोई नहीं, अभी फटाफट से देख लो मैंने डर्ट लगा पिलर्स का क्या हालत कर रखा है। तो अभी हम लोग फार्म को बनाने के लिए निकलने वाले हैं। वेल, अभी मेरे को जगह डिसाइड करना पड़ेगा जहाँ पे मैं फार्म को बनाने वाला हूँ। तो एक काम कर डालते, पहले यार मैं चल लेता हूँ थोड़ा बहुत ढूंढने के लिए, एक बढ़िया एरिया चाहिए ना। तो फटाफट से एक बढ़िया एरिया जहाँ पे मैं बनाऊँगा उस फार्म को, उस एरिया को मैं पहले ढूंढता हूँ, देन मिलूंगा। खैर यही एरिया बेस्ट रहेगा मे बी। ओके, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यही कहीं से उसको बनाना स्टार्ट करूंगा मे बी। नहीं, शिट, ए भाई ओहो, डम घुट गया था इलाइट्रा की जय हो। तो खैर अभी फटाफट से ठीक यहाँ पर से, नहीं यहाँ पर से नहीं, थोड़ा बहुत गलत हो गया। तो यहाँ पर से हम लोग करने वाले हैं इसको। तो अभी फटाफट से इसको एकदम नीचे तक पहुँचने का वेट कर लेते हैं, देन हम यहाँ पे पानी डाल के इसको थोड़ा बहुत सही करेंगे, एंड इसको ले लेते हैं। जब तक लावा नीचे जा रहा है, मैं यहाँ पे एंडरमैन्स को मार के थोड़ा बहुत एंडेबल कलेक्ट कर लेता हूँ। मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट लावा शायद से एकदम नीचे तक पहुँच चुका है। काम कर डालता हूँ कि मैं खुद ही अभी यहाँ पर से नीचे चल के देख लेता हूँ। तो फिर नीचे जाना थोड़ा बहुत रिस्की है, बट फिर भी कूद गया हूँ मैं, एंड देखते हैं कि ये नीचे तक, नहीं और ये नीचे नहीं जा रहा है। तो एक काम, भाई सीधा नीचे, एंड मैं एकदम हैवी प्लेयर जैसा, मतलब मैं इतना प्रो नहीं हूँ यार जो मैं ऐसे करके खेल रहा हूँ। तो अभी फटाफट से नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि यहाँ पर जस्ट हमें पानी डाल देना है, एंड जैसे जैसे ये अभी नीचे जाएगा ना वैसे वैसे काम करना है। वैसे यहाँ पर हम लोगों को ना यार पानी डाले रहना है, बट देख रहे हो वो कॉबलस्टोन है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ थोड़ा सामान। यहाँ पर से अभी मैं निकाल लेता हूँ फटाफट से, एंड मेरे को ये नहीं चाहिए तो इसको हम डाल देते हैं। एंड अभी फटाफट से एक नीचे चल के रिस्की काम करना है तो फटाफट से मैं गाइस नीचे चल के ना यार एक काम कर डालता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं पहले लीव्स ले लेता हूँ, नीचे चल के प्लेटफॉर्म बना के मिलता हूँ। सो गाइस अभी यार यहाँ से मेरे को 128 ब्लॉक्स दूर चलना है तो फटाफट से मैं 128 ब्लॉक्स यानी 2 स्टैक ब्लॉक्स दूर चल के मिलता हूँ तुम लोगों से। सो गाइस अभी यहाँ पर मैं एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ जहाँ पे कलेक्टिंग सिस्टम होगा, तो इसको बना लेते हैं, देन मैं तुम लोगों से कुछ देर में मिलता हूँ। तो फिर गाइस इस प्लेटफॉर्म का काम ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मैंने डन कर डाला है। मैं बहुत धीरे धीरे ब्रिजिंग कर रहा हूँ, आई नो मैं स्पीड ब्रिजिंग यहाँ नहीं करने वाला। अभी मैं कर रहा हूँ कलेक्टिंग सिस्टम में थोड़ा बहुत काम, तो इस तरीके से यार मेरे को वर्क करना है। एंड ये जो है इसको मेरे को ठीक नहीं यार, इसको मैं तीनों साइड से एक ही डायरेक्शन से करूँगा। तो ये लो कलेक्टिंग सिस्टम का काम कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी मेरे को थोड़ा बहुत कारपेट्स चाहिए होंगे तो इसको मैं बाद में लगा डालूंगा। एक काम कर डालते हैं, पहले ब्लॉक लो, 2 ब्लॉक ऊपर चल लेना है, तो 1, 2 एंड तीसरे ब्लॉक को यहाँ प्लेस करके सेम टू सेम प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी बनाना है, तो फटाफट से इसको बना डालते हैं। प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद मेरे को कारपेट लेने हैं, ओके। एंड कारपेट को ठीक कुछ इस तरीके से मेरे को लगाने हैं यहाँ पर, मतलब बेसिकली कुछ इस तरीके से मेरे को साइड साइड में लगा डालना है। एंड भाई आई होप कि कारपेट की कमी ना पड़े, मैं मर जाऊँगा यार अगर कारपेट की कमी पड़े, बिकॉज मेरे को और अगेन नहीं जाना है। तो खैर फटाफट से गाइस इतने को मैंने कर डाला है, एंड देन यहाँ पर भी मेरे को अंदर के साइड में थोड़े बहुत लगाने हैं। बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे एंडमैन स्पॉन ना हो पाए। एंड अभी मेरे को पता है किसी को कुछ समझ नहीं पा रहा होगा, एंड अभी सेम टू सेम लेयर ऊपर भी कर डालने हैं। तो गाइस इसके बाद हम लोग बेसिकली वाई लेवल 44 तक चलेंगे, एंड वहाँ चल के एंडमैन एक्सिस फार्म को पूरा का पूरा कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। ऑल डन। तो यार ये इतना हो चुका है, अभी फटाफट से एक काम कर डालते हैं, बचा कुचा थोड़ा बहुत है, पूरा नहीं हुआ है, तो फटाफट से इतना मैं कर डालता हूँ। एंड यार वीडियो इतने दूर तक देखिए तो ऑब्वियसली पसंद आया होगा, तो फटाफट से लाइक कर डालो, 15 लाइक का एम रखते हैं। तो इतना हो चुका है, एंड अब मेरे को थोड़े बहुत ब्लॉक्स ले लेने हैं बेसिकली। एंड यहाँ से ठीक ऐसे एक ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक में मेरे को काम करना है, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से मेरे को चल लेना है सामने तक। सो गाइस एक ब्लॉक छोड़ के एक ब्लॉक मैं लगा रहा हूँ, तो इसी तरीके से मैं अभी वाई लेवल 6 में हूँ, तो ऐसे करके मेरे को वाई लेवल 44 तक पहुँचना है। तो 44 तक पहुँचता हूँ एंड देन मेन प्लेटफॉर्म बनाएंगे, एंड फटाफट से 44 ब्लॉक्स तक अभी मैं ऊपर चल लेता हूँ। Alright guys, अभी मैं देखते ही देखते ऑलमोस्ट वाई लेवल 44 तक पहुंच चुका हूँ, एंड लेट्स गो, मे बी हाँ यही है वाई लेवल 44। सो गाइज अभी अपना जो मेन काम है वो गाइज स्टार्ट हो चुका है, तो अभी एक काम कर डालते हैं, आई होप कि नीचे ना जब वॉइड में, यहाँ से पहले मैं ट्रैप डोर निकाल लेता हूँ। ट्रैप डोर का काम यह है कि यार जस्ट उनको लगे सामने ब्लॉक है एंड वो नीचे जाके गिर जाए, एंड एक एंडरमैन हम लोग यहाँ पे स्पॉन करने वाले हैं जो अट्रैक्ट करेगा, जैसे ज़ॉम्बीफाइट पिगलिन को वो नहीं करता एग, वो टर्टल का एग, वैसे ये एंडमेट से जलते हैं। तो इस फटाफट से गाइस यहाँ से मैं थोड़े बहुत ब्लॉक्स निकाल लेता हूँ अपने इन्वेंट्री में, यहाँ से 11 ब्लॉक दूर चल लेते हैं, एंड देन यहाँ पे हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे चारों के चारों साइड में। अभी मेरे को मतलब 11 ब्लॉक्स दूर चलना है, आई मीन 10 ब्लॉक्स दूर चलना है, तो फिर इसके बाद हम लोग पूरे प्लेटफॉर्म को कंप्लीट करेंगे। एंड देन गाइस मैं तुम लोगों से मिलूंगा कुछ देर में, क्योंकि ये थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग होने वाला है। सो जो मैंने साइड्स बनाए थे ना वहाँ पे जस्ट मेरे को एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना डाला है, एंड एंडरमैन स्पॉन होना स्टार्ट भी हो चुका है, लेट्स गो। तो इसी तरीके से मेरे को पूरा प्लेटफॉर्म बनाना है। लास्ट काम बाकी है जो कि है एंडरमाइट को किसी तरह यहाँ पे स्पॉन करना, तो ऐसे ही एंडपल्स मेरे को फेंकने पड़ेंगे, दिखा रहे हो अभी, तो एंडपल ऐसे करके फेंकना पड़ेगा एंड एक ना एक बार एंडरमाइट स्पॉन हो जाएगा। ओके यार फाइनली मैं एंडमाइट पूरा का पूरा स्पॉन हो चुका है, मैंने यहाँ पे एंडमाइट वाला काम भी साथ साथ गाइस कर डाला है, एंड देख रहे हो भाई सब कैसे एंडमैन यहाँ पे स्पॉन होके घिरे जा रहे हैं, बस नीचे जाने की देरी है। एंड ओ भाई साहब, बस फटाफट से इस कवर को मैं ले लेता हूँ, मैंने एंडपल्स जमा करने के लिए बस इसको बनाया था, बट अभी इतना काम भी हो चुका है। एंड एक काम कर डालते हैं, बूट्स पहन लेते हैं, निकाला इसलिए था क्योंकि ठंड है ना इसमें। तो फिर गाइस यार यहाँ पे एक एंडरमैन के साथ मैंने भिड़ गया था, खैर कोई नहीं, मैं अपने एंडर चेस्ट से थोड़ा बहुत खाना निकाल लिया एक्स्ट्रा पम्पकिन पाई, एंड देख रहे हो कितने सारे एंडरमैन्स यहाँ पे है फाइनली में। एंड ये देखो इसको ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है, फटाफट से इनको भी मार के देख लेते हैं।
एक्सपी कितना, ओ भाई जो बहुत फास्ट है, अपने सारे सामान एक सेकंड में रिपेयर हो जाएंगे। ओ देख लो भाई साहब, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फार्म है ये। तो एक गाइस पड़ाव से यहाँ पे मैं कुछ देर एफ के रुक के उनको मार डालता हूँ, पता चलेगा इसी से अपने फार्म की एफिशिएंसी। Guys, मैं लिटरली कह रहा हूँ ये वाला एक्सपी फॉर्म बहुत ज्यादा फास्ट है। देख रहे हो किस स्पीड में मेरे को एक्सपी मिल रही है, 61 एक्सपी हो भी गई जबकि मैं यहाँ पे 5 मिनट ही एफके रुका था। नेक्स्ट लेवल है ये वाला फार्म यार, मतलब 5-6 मिनट ही रुका था, बहुत फास्ट है। तो आई थिंक सो यार बेस्ट टाइम है अभी आउटपुट करने का। लाइक तो यार कर ही डालना वीडियो को। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, लाइक एम रखते हैं 15 लाइक का कंप्लीट हो जाने चाहिए। सो गाइस यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालना। बाय, टेक केयर, अलविदा।